हम आ गए हैं वापस नए वीडियो के साथ। सो व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, की हाल चाल, आई होप आप सब बढ़िया होंगे मेरी तरह। सो यहाँ से मैं गोरा लग रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे नहीं है। सो आज हम एक वीडियो के लिए आप सबसे मिले हैं। वीडियो क्या है, बहुत मस्त वीडियो है। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि किस चीज़ के लिए हम आपसे मिले हैं। यहाँ पे बैठो आप। सो ये एक बॉक्स आया है। ये बॉक्स किस कंपनी से आया है अगर मेरे को कहीं दिख रहा हो तो। सो ये मेरा नीचे एड्रेस है। सो ये आया है वैक्सपोल की तरफ से और ये हमारे नाम से आया है, राइडर्स जंक्शन के नाम से। सो ये हमें वैक्सपोल ने दिया है रिव्यू करने के लिए। सो एक बार देखते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि इसमें कुछ गाड़ी के लिए है और कुछ बाइक के लिए है। सो क्या गाड़ी के लिए है, क्या बाइक के लिए है, मुझे नहीं पता। लेट्स ओपन, एक बार जाते हैं और गाड़ी लेके जाएंगे साथ में, कहीं बाहर जाके ओपन करेंगे गाड़ी पे बैठ के बढ़िया से माहौल के साथ। सो चलते हैं फटाफट से, लेट्स गो। प्रोडक्ट को ओपन करना है। बेसिकली वैक्सपोल ने कॉन्टैक्ट किया था आज से करीब 1.5 साल पहले, तो मैं बिजी था किसी काम से, जिस वजह से मैंने वो कंफर्म नहीं कर पाया था। इस बार दोबारा उनकी मेल आई तो मैंने चेक करी, देन कॉन्टैक्ट किया, हमने बात करी। तो कुछ प्रोडक्ट्स उन्होंने भेजे, बेसिकली दो प्रोडक्ट हैं उन्होंने, एक गाड़ी का है एक बाइक का है। क्या है फटाफट से लेके चलता हूँ आपको अच्छी सी लोकेशन में, क्योंकि मुझे ये था कि किसी साफ सी जगह पे जाके ओपन एरिया में जाके मैं इसको शूट करूँ। सो चलते हैं फटाफट से और वहाँ पे चल के आप शूट करते हैं। सो फटाफट से एक काम करते हैं, पहले वो प्रोडक्ट लेके आते हैं आपके लिए। तो ये प्रोडक्ट था हमारे फर्स्ट स्पॉन्सर का, जो उनसे जिसने हमें ये प्रोडक्ट स्पॉन्सर किया है, वैक्सपोल कंपनी। नाम आपने सुना होगा, कोई नया नाम नहीं है इस इंडस्ट्री में। बाइक क्लीनिंग, कार क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के लिए ये बहुत पुरानी कंपनी है, आज से करीब 30-40 साल पुरानी, से पहले से ज़्यादा की है। तो मैं एक बार देखूँगा कि कितना है, तो नीचे डिटेल में भी डाल दूँगा कि कितनी पुरानी कंपनी है। तो फटाफट से इसके ऊपर पहले इसके लिए लगा दूं कि प्रोडक्ट में क्या क्या हो सकता है। कीप ड्राई, हैंडल विद केयर, दिस स्लाइड अप, डू नॉट स्टेप। ठीक है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये जो प्रोडक्ट है इसके लिए लिखा हुआ है कि इसकी जो प्राइस है वो अप्रोक्सीमेटली 1000 रुपीस के करीब की इसकी प्राइस है। तो फटाफट से ओपन करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो एक ये पर्ची आई है, क्या आया है एक बार देख लेते हैं। इसमें एक छोटा सैंपल प्रोडक्ट, क्या क्या है, नोटबुक, अच्छा ठीक है, सही है, ये भी सही है, ओके। सो इन्होंने स्पेशली इसके नीचे लिखा हुआ है ये चीज़ें हैं इसमें, ये सारी, और नीचे लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल। सो ये मैं सेल नहीं कर सकता, वैसे भी नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो अपने यूज़ की चीज़ है, तो यूज़ की चीज़ कभी सेल नहीं की जाती। तो इसमें क्या है एक बार फटाफट से ओपन करते हैं। ओके, वैक्सपोल नाम से इसकी पूरा बॉक्स की ब्रांडिंग हुई पड़ी है। सो वैक्सपोल नाम से ये पूरी ब्रांडिंग हुई पड़ी है। फटाफट से इसको भी ओपन करते हैं। ओहो वाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें तो। सो कभी भी कहीं पे भी हो आपने किसी चीज़ से गंद नहीं फैलाना। सो मैंने ये जो ये जो रैपर था ना, ये भी इसको भी संभाल के रखा है। सो इसको बाहर जाके हम डस्टबिन में फेंकेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर कि ऐसे कहीं भी कूड़ा मत फेंकना। सो पहले ओपन करते हैं क्या क्या है, यहाँ पे रखते रहते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अब हम क्या करते हैं फटाफट से, पहले देखते हैं चेन लूप को, बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं सिल्की टच इसमें है क्या। फॉर यूज ऑन पेंट एंड फाइबर ग्लासेस, सरफेस फॉर ऑफ कार्स, बोट्स, मोटरसाइकिल एट्सेट्रा, स्पेशली सूटेबल फॉर क्लीन कोट, मेटेलिक एंड 2K पेंट्स। ठीक है, डायरेक्शन टू यूज, क्लीन सरफेस पे करना है, क्लीन है, आज सुबह ही साफ करके गया है गाड़ी वाला। Shake well before use, take a sufficient amount, quantity of silky touch on a clean circular overlapping applicator, foam applicator. Okay, ये foam applicator है, इससे हम उसको लगाएंगे।
spread on a surface in circular overlapping, allow to dry, wipe off with sparkling new look finishing. So चलो एक काम करते हैं, ये पार्ट मेरा क्लीन है तो फटाफट से एक बार यूज करके देखते हैं. सो ये बेसिकली इसको सरफेस को फैलाने के लिए है. सो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे गिरते हैं. हम इसको एज अ लेमैन यूज़ करेंगे कि ओके स्मूथ तो है, थोड़ा सा सर्विस करके देखते हैं फिर उसके बाद आगे का करते हैं. सो मैंने एक वीडियो देखी थी उसमें लिखा हुआ था कि इसको ऐसे सर्कुलर वे में करना है. सो जब भी आप कोई कोटिंग करवाते हो या सेरेमिक या रबिंग भी करवाओगे ना, तो वो सारी सर्कुलर वे में होती हैं. बेसिकली होता क्या कि अगर मैं सीधा सीधा करूँगा तो लाइंस दिखेंगी, लेकिन सर्कुलर मोशन में ना, सर्कुलर वे में लाइंस नहीं दिखती हैं. सो इसको 2-3 मिनट के लिए ड्राई होने देंगे और मैं जैसे टच करके देख रहा हूँ ना, यहाँ पर थोड़ा हार्ड है और ये पार्ट थोड़ा सा सॉफ्ट है. सो एक काम करते हैं, अब इसको पहले क्लीन ड्राई होने देते हैं. ड्राई करने के बाद इसको हम ऊपर से क्लीन कर देंगे. सो एक वीडियो मैंने देखी, इसमें कुछ कार्ड्स हैं, एक क्या है लेट्स सी, एक तो बुकलेट है. जब तक ये ड्राई होता है तब तक हम इसको चेक करते हैं कि क्या क्या है इसमें. सो ओके, ये दो वैक्स पोल की तरफ से पेन आए हैं. ओके, सिंस 1950 मिल गया. सो जो मैं बता रहा था कि ये कंपनी है कितनी पुरानी, आज से करीब 72 ईयर्स पुरानी, 72 ईयर्स पुरानी, 1950 से है. सो अच्छा यूज़ करेंगे इसको. ओके, ये इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं इनके, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक हैंडल. 70 ईयर्स ओल्ड पुरानी कंपनी है वैक्सपोल, ये इंस्टाग्राम हैंडल है. मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इंस्टाग्राम और इनकी वेबसाइट का लिंक, और अमेज़ॉन से भी आप परचेज़ कर सकते हो. वहाँ पे आपको डिस्काउंट्स ऑलरेडी मिलते रहते हैं. सो आप चाहो तो वहाँ पे भी जाके परचेज कर सकते हो, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं. ओके, ये बेसिकली इनके जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उनकी डिटेल है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं इसमें, सब कुछ लिखा हुआ है. सारा कुछ मिल जाएगा आपको अगर जो भी आपको इसमें से चाहिए. और ये क्या है, ओके ओके गॉट इट. ये बेसिकली कार के लिए है या वॉशिंग टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए हैं, और ये है बाइक केयर प्रोडक्ट्स के लिए, जिसमें इस तरफ तो सारे इंजन ऑयल वगैरह आ जाता है. इंजन ऑयल हो गया, इंजन फ्लश हो गया, एडिटिव हो गया. सही है. ओके, और देखते हैं मैम क्या है. एक और चीज़ आई है हमारे पास, तो ये बेसिकली एक एक प्रोडक्ट के लिए इन्होंने बताया हुआ है कि हर एक प्रोडक्ट को किस तरह से क्या है, कैसे यूज़ करना है. लेट मी चेक. ओके राइट, ये वैक्स है, वैक्स पॉलिश लिक्विड, टायर के लिए शाइन. सो बेसिकली सारे प्रोडक्ट की फुल एंड फ्लेज इन्फॉर्मेशन इसमें है. तो चलो अब तक 2 मिनट का टाइम भी हो गया है, अब एक काम करते हैं हम फटाफट से इसको चेक करते हैं और हम इसको क्लीन करते हैं. सो अब इसको चेक करते हैं और इसको क्लीन करते हैं फटाफट से. क्लीन क्लोथ्स, मेरा हैंकी है ये वैक्स पोल, हैंकी से साफ कर रहा हूँ, देख लो. सो एक चीज मैं कहूँ, स्मूथ तो है, क्योंकि जब मैंने अभी घर निकलने से पहले थोड़ी सी इसको क्लीन करा था तो इतना सॉफ्ट नहीं था.
अभी ज़्यादा सॉफ्ट है, एक बार चेक करते हैं। है राइट, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम चेक कर पा रहे हैं लेकिन हम जस्टिफाई नहीं कर पाते। जैसे कई बार, जैसे आपको मैंने बताया होगा, जैसे हम किसी रोड ट्रिप में जाते हैं ना, जो लोकेशन होती है वो इतनी प्यारी होती है लेकिन जब वो कैमरे में कैप्चर करके हम आपको दिखाते हैं ना, तो वो उस तरह से नहीं आ पाती, क्योंकि वो एक जो सामने देखना और फील करना अलग चीज़ होती है, और कैमरे पे आप मोबाइल पे फील करना वो अलग चीज़ होती है। सो सेम इसके साथ भी मैं ये कहूँगा कि जो मैं फील कर रहा हूँ सॉफ्टनेस है। सेरेमिक मैंने एक बार पहले करवाई थी, जब मैंने गाड़ी ली थी तब मैंने सेरेमिक करवाई थी, तो तब भी ऐसा ही फील आया था जैसा मैं अभी फील कर रहा हूँ, इसमें सॉफ्टनेस है। सो एक काम करेंगे, इसको ना हम सॉफ्टनेस तो हमने चेक कर ली है, लेकिन हम इसको एक बार दोबारा देखेंगे 2 या 3 दिन के बाद, क्या वेदर ये 2 या 3 दिन के बाद भी रहती है या नहीं रहती। सो वो पार्ट आपको ना बिल्कुल वीडियो के लास्ट में मिलेगा, 2 या 3 दिन के बाद वाला, कि उसके बाद क्या मिला मेरे को, क्या फील हुआ कि 2-3 दिन के बाद भी यहाँ पे ये रहता है सिल्की टच या नहीं रहता। सो लेट मी अच्छे से एक बार क्लीन कर देता हूँ। सो बेसिकली मेरी गाड़ी ना थोड़ा ओपन एरिया में खड़ी रहती है, तो इस वजह से थोड़ा सा क्लीनिंग का इशू रहता है, लेकिन फिर भी जो मैंने जो कार क्लीन करने के लिए आता है वो डेली सुबह आता है, सुबह आते ही क्लीन कर देता है, तो इसलिए थोड़ी साफ़ रहती है, नहीं तो गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाए। सो फटाफट से ना आप टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमें इसके लिए भी कुछ करना है। सो ये है हमारा चेन ल्यूब। चेन ल्यूब यूज़ करने से पहले मुझे अपनी बाइक की चेन क्लीन करवानी पड़ेगी, क्योंकि बाइक की चेन बहुत ज़्यादा गंदी है, और इसको लेके चलते हैं फटाफट से, पहले चेन क्लीन करवाते हैं और उसके बाद ल्यूब करते हैं, पहले गाड़ी घर चढ़ते हैं और बाइक उठाते हैं। चलो तो अभी देखोगे ना चेन कितनी गंदी है, तो आपको पता लगेगा कि क्या बुरा हाल है। ये देखिए सब ब्लैक है। तो अभी जब कश्मीर से आए थे, कश्मीर के आने के बाद हमने बिल्कुल भी क्लीन नहीं करी, बाइक ऐसी पड़ी थी, तो आज हमने निकाली है। तो अभी अच्छे से क्लीन करवा के इसको फिर ल्यूब करते हैं हमारे चेन ल्यूब के साथ, जो हमें मिला है वैक्स पूल की तरफ से। तो फटाफट से एक बार क्लीन करते हैं, डीजल नहीं है तो इसलिए पेट्रोल निकाला जा रहा है और पेट्रोल से किया जा रहा है। सो पेट्रोल से करते हैं, फिर उसके बाद हम ल्यूब करते हैं। अब एक काम करते हैं फटाफट से इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर है क्या, कैसा है ये ल्यूब। ओके, इसमें ये नॉब है, तो मींस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम डाल सकते हैं इसको। सो चलते हैं फटाफट से एक बार ल्यूब करते हैं। कर ली, सिल्की टच भी अच्छे से यूज़ कर लिया, बाइक भी देखो थोड़ी सी साफ़ हो गई है। सो अब हम एक काम करेंगे, वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हमने ये देखना है कि जो चीज़ें हमने यूज़ करी है उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, जिसमें परफॉर्मेंस चेक करेंगे उसमें लुक्स चेक करेंगे कि कैसी रहती है। दोनों चीज़ों को देख के आपको हम बताएंगे, जब संडे को ये वीडियो आएगी उससे पहले पहले सैटरडे को ये चीज़ अपडेट कर देंगे। आज है वेडनेसडे, तो सैटरडे को ये चीज़ अपडेट करके संडे को वीडियो डाल देंगे। सो अभी वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो बाय बाय। सो फाइनली देखा आपने कि शाइन कितनी अच्छी आई हुई है, तो एकदम से अगर मैं चेक कर रहा था ना, तो अभी भी सॉफ्टनेस है। बेसिकली मुझे यही चेक करना था कि 2 दिन बाद वो सॉफ्टनेस रहती है या नहीं रहती, और बाइक भी हमने अच्छे से
वॉशिंग करवा ली है, चेन भी देखो अच्छे से क्लीन होगी। और चेन लूप के बारे में बताऊँ तो मैंने इसको चेन लूप करने के बाद मैंने करीब 100 किलोमीटर चलाई है, तो कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत स्मूथ है, तो मुझे चेन लूप भी बहुत पसंद आया। सो इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं अमेज़ॉन का लिंक डाल रहा हूँ, हमारी वेबसाइट का लिंक डाल, जो वैक्सपोल की वेबसाइट है वो है, अमेज़ॉन का लिंक है जहाँ से आप परचेज कर सकते हो, चेन ल्यूब हो या आपका बाइक कार का सिल्की टच हो या कोई और भी चीज़ आप परचेज़ करना चाहते हो वैक्सपोल की, तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जाके परचेज कर सकते हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, दिस इज़ गुरप्रीत साइनिंग ऑफ। तो अभी मैं फैक्ट्री में हूँ, यहाँ पे मुझे पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही रहती है, बाइक थोड़ी सी गंदी हो जाती है बट एट द एंड अच्छा रहता है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, दिस इज़ गुरप्रीत साइनिंग ऑफ, जय हिंद जय भारत, बाय बाय बाय।